हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 24 फनी स्टोरी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो पहला प्यार। जनाब, आज के दौर की बात ही अलग हो चली है। लोगों का एक दूसरे के संपर्क में आ जाना कितना आसान हो चला है, और वो भी बिना शोर शराबे वाला मिलन। कहने का अर्थ यह है कि लोग आजकल उंगलियों की भाषा पढ़ने सीखने लगे। आज के समय लोग जुबा से नहीं अंगूठे से बतियाते हैं। अब प्यार करना उतना मुश्किल भी नहीं रहा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने ऐसे इश्क को खुद के जहन में जिया है। वो व्हाट्सएप पे मुझे मिला था। घर पे पापा का ही फ़ोन था जिसमें नेट मिलता था, तो हम सब वही इस्तेमाल करते थे। वो मेरे पापा के कॉन्टैक्ट्स में था और बाद में मेरा बन गया। रोज़ की तरह फ़ोन मिला था लिमिटेड टाइम के लिए, और बस मैं अपना स्टेटस अपडेट किया ही था, बस कुछ देर बाद उसका रिप्लाई आया, बहुत खूब लिखा है मैडम आपने। ये क्या, किसी को कैसे पता चल गया कि ये लड़की ने लिखा या पापा ने? घबरा कर वो मैसेज डिलीट कर फ़ोन रख दिया था मैंने, मगर मन अब लग भी नहीं रहा था। किसी लड़के का रिप्लाई जो पड़ा था उसने, और वो भी इतना दिलचस्प कि बस मानो उसके पांव ज़मीन पर ही नहीं। अगले दिन जब फिर फ़ोन मिला तो उसका एक मैसेज पड़ा था। देखो तो एक जोक था, जोक इतना अच्छा नहीं था जितनी मुझे हंसी आई थी। उस वक्त मैंने वो जोक घर के हर सदस्य को सुनाया था, जैसे मानो मेरी तारीफ में चार लाइनें लिखी हो। किसी ने क्या था ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था, न जान ना पहचान ना देख ना सुना, बस जोक पढ़ रही थी उसके, और एक खुद भी कर देती थी उसको। कैसे सपने बांधने लगी मैं कि मुझे कुछ हासिल हुआ खुद की वजह से। फिर एक दिन सब लोग थक के सो गए थे, मैं जाग रही थी कि फ़ोन में कोई मैसेज आया और मैंने बिना सोचे समझे फ़ोन चेक किया। अरे ये क्या, ये तो उसका मैसेज है। फिर क्या, मैंने भी एक मैसेज भेज दिया। सोचा ही था कि अब फ़ोन रख देती हूँ कि वैसे ही उसका मैसेज आता है, आज बहुत देर तक जाग रही हो। फिर क्या, मैंने आज पूछ लिया कि आपको कैसे पता कि ये मैं हूँ, आप तो पापा के जानने वाले हो। उसका अगला जवाब मेरे दिल की दीवारों पर आज तक लिखा हुआ है, मैडम मुझे इतना फ़र्क करना आता है कि भेजने वाला मैसेज कैसे भेजेगा। मैं पढ़कर शर्मा गई थी। मैं और साथ ही हमारी बातें भी शुरू हो चुकी थी। अब तो हर रोज़ कोई ना कोई बहाना ढूँढ कर फ़ोन लेने लगी थी। बातें जो करती थी उससे ऐसा लगता था वो हर पल मेरे साथ है, सुबह के उठने से रात के सोने तक का हर पल का ब्यौरा हम लोग जानने लगे थे एक दूसरे का। दिल मानो झूमने लगता था, मेरे नाचने का जी चाहता था कि बस हवा में झूम जाऊं। ऐसा कई महीने तक चलता रहा, मगर फिर उसके बिजनेस में काम बढ़ता गया और मुझ पर स्कूल ख़त्म होने के बाद कॉलेज का स्ट्रेस। धीरे धीरे बात काम में उलझ गई थी। रोज़ के काम के बाद फॉर्मल बात होती थी और फिर बाय बोल देते हम। कभी ये बाय फुल बाय बन गया पता ही नहीं चला। मैं मिली नहीं हूँ उसको कभी, मगर एक चित्र जरूर बस गया उसका मन में, जो आज 10 साल बाद भी जीवित है मन के उन दरवाज़ों में जहाँ की धूल बस होली दिवाली ही खदेड़ती जाती है। वो अब भी कहीं घूमता है दिल में बताने को ही कि मैडम हम अब भी यहीं हैं। जोक्स की पूरी किताब लिए, इस इश्क के कितने ही रंग होते हैं, मुझे ही देखो ऊपर सुर्ख सफ़ेद और भीतर बसा है तेरा गुलाल। कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है जैसे पहले मैसेज से बात क्या करते थे? अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई किस्सा है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।